पागल है, तूने डरा दिया मुझे। तू पागल है क्या? कितनी बार कहा है तू नौकर है इस घर का, मेरे पति ने देख लिया ना तो सारी पोल खुल जाएगी। ओ हेलो, करेक्टर छोड़ दे अपना, समझ गई, नौकर नहीं उस घर का, तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। बॉयफ्रेंड तो तेरे प्यार के चक्कर में मुझे नौकर बनना पड़ रहा है, नहीं तो कौन नौकर बनना चाहता है? और एक बात बता, ये प्रॉपर्टी कब नाम कराएगी तू? कितनी बार तुझे कहा है कि जब मेरा पति घर पे रहा करे मेरे आसपास भटकने का। तो और क्या करूं सिमरन, तब से तूने गोली दे रखी है मुझे कि प्रॉपर्टी नाम करा लूंगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, कब होगी भाई? तो हो जाएगी ना, तू हर वक्त चांस मारते रहता है, जब देखो तब। देख सिमरन, अब नहीं रहा जाता मुझसे, ये प्लेटें धो धो के थक गया हूं मैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तू मेरा यूज कर रही है, तू अपने पति के साथ बहुत खुश है, तुझे फ्री का नौकर मिला हुआ है बस। यूज करना होता ना तो कब का प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती, तेरे साथ यहाँ पे पापड़ नहीं बेलती। ठीक है तो बेबी जल्दी करवाना, अब नहीं रहा जाता ना यार। तू जा, मेरा पति यही पे समझे। अरे उसका क्या है यार, वो पूरा दिन ही घर पे पड़ा रहता है, जाता कब है वो, हफ्ते में दो दिन यार, हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी, थोड़ा टाइम मुझे दे। जब मेरे पति घर पे रहा कर, मेरे से दूर रहा कर, मेरा पति चला जाएगा फिर मैं मिल लूंगी तेरे से। सिमरन, सिमरन। हाँ आई। तू किसी दिन मरवाएगा, दूर रहा कर उनसे। जाना। हाँ जी, आपने बुलाया? हाँ सुनो, मुझे ना बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो दो घंटे के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊं, ठीक है? अच्छा तो मैं क्या कह रही थी, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए कह रहे थे तो आपने कर दी? तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ याद दिला रही हूँ, आप भूल ना जाओ इसलिए। अरे यार यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मतलब ये कि मैं सारी प्रॉपर्टी ना तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। सच? आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर चुके हो? हाँ, तुम्हारा बर्थडे आने वाला था, मैं ये चीज तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वाले दिन बताना चाहता था, पर तुम्हें पहले ही पता चल गई। थैंक यू सो मच, आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। अच्छा तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, पार्टी तो बनती है? हाँ पार्टी तो बनती है, मैं जल्दी से ना ये काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद हम क्लब चलेंगे साथ में। अरे क्लब शलब तो जाते रहते हैं, घर में एक बढ़िया सी चाय पीते हैं ना। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। नहीं प्लीज, मेरे साथ बैठ के पी लीजिए, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बनाएगा। सूरज जी मालकिन। हाँ सूरज, साहब के लिए और मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ, ठीक है? ठीक है मालकिन। सुनो बढ़िया सी चाय। ठीक है मालकिन। थोड़ा जल्दी लाना। जी साहब। थैंक यू डार्लिंग। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ, कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया आपने। सेम टू यू। आज फाइनली इस गमछी से छुट्टी मिल जाएगी मुझे, आज करण ऊपर और मैं इस घर का मालिक। आज करण मरेगा और मैं अपना नौकर वाला करेक्टर छोड़ दूंगा। 6 महीने लग गए, पूरे 6 महीने ये नौकर का काम करते करते। चलो कोई बात नहीं, सबर का फल मीठा ही होता है। अब इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी गाड़ियाँ, इतने घर, सब मेरे और सिमरन की। इसके बाद हम दोनों इसको बेच के किसी बाहर कंट्री में जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। बड़ा तेज़ बनता था ना तू, हमेशा मुझे डांटता रहता था, ये काम ठीक से कर ले, ये काम ठीक से कर ले सूरज। अब देख सूरज तेरे साथ कितना अच्छा काम करता है। एक मिनट रुक जा, मिला लेता हूँ इसको। हाँ चलिए करण जी, आपके लिए बहुत अच्छी चाय तैयार है, आपकी आखिरी चाय। साहब, चाय। अब जा, खड़ा क्यों है? जी मैम साहब। अरे यार मेरे फ़ोन की ना बैटरी डेड हो गई है,
तुम एक काम करो ना, मेरा चार्जर ले आओ। अरे पहले चाय तो पी लो। अरे यार पी लूंगा, वो क्या है ना मुझे बाहर जाना है, फोन में बैटरी भी कम है, लेके आ जाओ ना प्लीज। अरे वो सूरज ला के दे देगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे नहीं नहीं सूरज से रहने दो, वो अलमीरा में रखे हैं, सारे कपड़े खराब कर देगा, तुम्हें पता है ना कहाँ रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ मैं चार्जर, जाओ लेके आओ। ठीक ठीक है ला लूँगी। सुनो सुनो, काम हो गया। सूरज जी मालकिन। अरे मालकिन मालकिन छोड़, ये तो मर गया, चाय देख पूरी पी ली है। क्या बात कर रही है। हाँ, देख वो सच में मर गए। हाँ, अब सारी प्रॉपर्टी ना हमारे नाम। हाँ। और फिर हम इंडिया के बाहर फरार। हाँ यार फुल। पर एक बात बता, इसकी लाश का क्या करें। अरे सड़ने देना, 10 दिन पड़ी रही कौन देखेगा। तू सही कह रही है, देख अब ना बाहर घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, फुल मजे करेंगे, तो टेंशन मतलब है वो ना तेरे साथ। हाँ अब मेरे को जो चाहिए वो सारी शॉपिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, सारा काम मेरा था। अरे तू चिंता मत कर मेरी जान, अब तूने फाइनली छुटकारा दिला दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अब मालकिन मत बोल, ठीक है। तू मेरी जान है। मक्खन मारना बंद कर। हाँ? जल्दी जल्दी पैकिंग कर और सारे प्रॉपर्टीज के पेपर ले ले। चल चल। अच्छा तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। हाँ तुम जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी जहर वाली चाय पी ही नहीं, समझी तुम। ये क्या बोल रहे हो करण, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। अरे और कितना झूठ बोलोगी, अब तो सच बोलो। ये तुम क्या बोले जा रहे हो करण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कब से चल रहा है ये सब, तुम इसकी वजह से मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम पे कितना भरोसा करता था, तुम क्या करती मेरे पीठ पीछे इसके साथ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुशी खुशी तलाक देता, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो क्या करती मैं, तुम मुझे पैसे देते हो हमेशा, जब देखो तब रोक टोक करते रहते हो, ना शॉपिंग के लिए ना किसी चीज के लिए। अरे जिसे तुम रोक टोक समझ रही हो ना, वो सब मेरा प्यार था। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये भोली बातों में आ जाऊंगा। अरे और झूठ मत बोलो, समझ गई। तुम्हें पता है एक दिन ना मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तुमने दिमाग लगा के सारी फोटो डिलीट कर दी, पर तुम्हारी एक ग्रुप फोटो जिसमें ये तुम्हारा यार दिख गया मुझे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सूरज तो हमारे यहाँ पे नौकर है और तुम्हारा पुराना दोस्त भी है। उस टाइम मैंने अपनी खोपड़ी घुमाई कि कुछ तो गड़बड़ है, और उसके बाद मैंने पूरे घर में माइक्रोफोन्स लगवाए, जो जो तुम इससे बात करती थी ना वो सब मैं सुनता था, और मुझे जितना हार्ट होता था ना वो तुम समझ भी नहीं सकती। क्यों किया तुमने ऐसा। अरे तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी, मुझे बता देती, मैं सारी प्रॉपर्टी खुशी खुशी तुम्हारे नाम कर देता, पर ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब चुप क्यों खड़ी, बोलती क्यों नहीं। बस करो, ये सारी फिल्मी बात है, कोई किसी के नाम ये प्रॉपर्टी नहीं करता, इसलिए ये सब करना पड़ा। देखो मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मैं तुमसे जितना प्यार करता था ना मुझे पता है, और तुम मेरे प्यार के ना लायक ही नहीं। आज के बाद ना तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और तू तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। तू तो इसका अच्छा दोस्त है ना। अरे दोस्ती निभाता ना, जब उसकी शादी हो गई थी तो उसकी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी। हाँ उसकी लाइफ में आने की क्या जरूरत थी। तूने भी ना कुछ अच्छा काम नहीं किया। अब तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें क्या लगता है। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम दोनों को माफ कर दूंगा। मैंने ना पुलिस को बहुत पहले ही कॉल कर दिया था, और पुलिस बस आती होगी, अब तुम दोनों जाओगे जेल, समझे तुम। देखो तुम्हें गलत फहमी हुई है, चाय में मैंने जहर नहीं मिलाया था, इसने मिलाया था। भाई 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 साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा प्लान इसी का था, ये सारी प्रॉपर्टी चाहती थी, मैं जानता भी नहीं इसको ठीक से, 2 महीने पहले मिला था बस। बस बहुत हो गया, अब दोनों ना चुपचाप खड़े रहना जब तक पुलिस आएगी। अबे रुक सुनो, तुम टेंशन मत लो, सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम हो ही गई है, अब हम नहीं जाएंगे इस घर से बाहर, निकलेगा ये, चल भाई निकल यहाँ से। आया बड़ा भगा इसको यहाँ से। एक मिनट, क्या कहा तूने, मैंने सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। अभी रुक तुझे मैं कुछ दिखाता हूँ।
प्रॉपर्टी ना अभी भी मेरे नाम पे है। वो तो बस मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था, जैसे तुम दोनों इतने सालों से मेरे से झूठ बोल रहे हो। क्या तुम झूठ बोल रहे थे मुझसे? इसका मतलब तुमने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की? अरे ओ बकवास बंद कर, बहुत सुन ली मैंने तेरी, निकलो यहां से। ओए शक्ल क्या देख रहे हो मेरी, निकल। रिश्तों की ना कदर ही नहीं होती इंसान को, पैसों के लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाता है।